हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी के गर्भ से आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी कन्या राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे कि आज का दिन कैसा रहेगा और किस प्रकार से लाभ की प्राप्ति भी होंगे, तमाम समस्याओं का निदान भी होंगे। 22 अप्रैल की शाम 4:45 से आप सभी कन्या राशि के लोगों के जीवन पर बड़ा धमाका होने वाला है। भगवान ने आपके लिए अच्छा चाहा, अपने आंखों पर यकीन ना होगा। जल्दी देखना, जल्दी इनका निवारण करना या बहुत ही सारी प्रतिक्रियाओं का संचारी करना ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। आप सभी कन्या राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे। प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बातों को कि बोल क्या रहे हैं। जीवन में कुछ बढ़िया कार्य होने के साथ बहुत ही सारी इनकम के सोर्स भी बेहतर तरीके से बढ़ेंगे, तो जीवन में तमाम ऐसे नकारात्मक घटनाओं का भी संचार हो सकता है जिनका माध्यम किसी न किसी और से आपको साथ प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक साथ भी प्राप्त हो सकता है, पारिवारिक प्रॉपर्टी में आपको नाम हो सकता है, हर एक खुशियों को हासिल करने की क्षमताओं को प्राप्त करना हो सकता है। आप सभी के लिए आज के दिन का व्यापार व्यवसाय करियर लाइफ, आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकते हैं, तो आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहेगा, आपको भाग्य का साथ और किस्मत का सपोर्ट किस प्रकार मिल सकते हैं। अच्छा, आप सभी को बताना चाहेंगे आपके जीवन में किस प्रकार से खुशियां आएंगी, आपके लाभकारी योजनाओं को बनाना आपके लिए किस प्रकार से शुभ और बेहतर हो सकता है, तो आज आपको बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण काम काज को अंतिम रूप तक देना पड़ सकता है, तो किस प्रकार से आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है, तो आपके आर्थिक तंग भी किस प्रकार से खत्म हो सकते हैं, तो किस प्रकार से विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकते हैं, तो आपको बताएंगे वीडियो में। आप सभी कन्या राशि के लोगों के लिए बहुत क्या इंपोर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस वीडियो को पूरा से पूरा अवश्य देखें ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आप सभी को छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके जीवन में परिस्थितियों से आप लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हो सकेंगे। तो लगातार हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो दोस्तों, आज का दिन काफ़ी बढ़िया है और आप सभी को जीवन में काफ़ी सारी खुशियों को भी प्राप्त करने के सबसे बेहतर मौके मिल सकते हैं। जो भी करना है तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करने हैं, उन्हें के माध्यम से जिनको आप बेहतर बनाने की दिशा की ओर बढ़ने का कार्य हो सकता है और बहुत ही सारी खुशियां मिल सकती हैं। आप सभी के जातकों को बता दें कि आप लोगों के जीवन पर चंद्र राशि के दौरान काफ़ी लाभ होंगे। आप अपनी व्यवहार कुशलताओं के द्वारा कोई ना रुका हुआ कार्य निकालने में सक्षम होंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होंगे, रुका हुआ उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल जाने से राहत प्राप्त होंगे, किसी भी नज़दीकी व्यक्ति के घर जाने का आमंत्रण मिल सकता है, इनकम के उपेक्षा खर्चों के अधिकताएं होंगे, कभी कभी मन में निराशाजनक व नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, नजदीकी रिश्तेदारों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने होंगे, किसी छोटी सी बात पर लेकर बहस हो सकते हैं, यह समय बिजनेस में बेहतर परिस्थितियां बन सकती हैं। उनका आप लोगों को सदुपयोग करना भी आपकी कार्य क्षमताओं पर निर्भर करता है। व्यावसायिक निवेश से संबंधित गतिविधियों में काम करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। सरकारी स्वार्थ व्यक्तियों के लिए कोई ना कोई शुभ समाचार सूचना मिल जाने की संभावना है। परिवार में कुछ अव्यवस्थाओं जैसा माहौल भी रहेगा, परंतु परिस्थितियों को संभालने का दायित्व भी आपको निभाना पड़ सकता है। प्रयास करते रहने होंगे, मानसिक और शारीरिक रूप से थकान होंगे। मेडिटेशन योगा को इसका उत्तम रूप से समाधान मिल सकता है। जितने तकलीफों का सामना अभी तक हुआ है, आज उन वह आखिरी पड़ाव है। इस समय के बाद पहले जैसा परिस्थितियाँ ना के ना बने, इसके लिए सतर्कताएँ रखने होंगे। अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए जोरों से अधिक खर्च न करने हैं। उच्च शिक्षाओं से संबंधित प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकताएँ होंगे। बढ़ते कंपटीशन की वजह से अपेक्षक जगह एडमिशन लेने के लिए अधिक मेहनत करने पड़ सकते हैं। पार्टनर साहब की प्रगति के साथ आपके जीवन में प्रगति हो सकते हैं, इसके लिए आपको प्रयत्न करते रहने होंगे। बच्चों का इन्फेक्शन हो जाने से सामान्य तकलीफें हो सकते हैं, चीज़ों को बेहतर करना हो सकता है, बहुत ही सारे कार्य को निर्बंध ही पूरा करना है। दोस्तों, आज अचानक कोई कार्य आपके मन मुताबिक तरीके से हल हो जाएगा। मोबाइल तथा ईमेल के द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेंगी, उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज बिल्कुल न करें, आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। कोर्ट के संबंधित मामलों में आज बहुत ही अधिक सावधानी बरतने की जरूरत रहेंगे। अपने शुभ चिंतकों से इस विषयों पर विचार विमर्श करने से उचित हल भी प्राप्त हो सकते हैं। आज आप सभी के जीवन में आज विचार विमर्श करने से उचित हल भी प्राप्त होंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल करने में भी अपना समय को लगाना हो सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों के सुझाव को भी ध्यान से देख सकते हैं। बेहतर निर्णय लेने में आप लोगों को आसानी हो सकते हैं। नौकरी में अपने काम के प्रति लापरवाही न बरतें, क्योंकि यह समय कोई भी इंक्वायरी हो जाने की आशंका रहेंगे। पारिवारिक वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। एक्स्ट्रा मटेरियल अफायर के योग होंगे, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार की सुख शांति को भंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य भी उत्तम रह सकता है।
होता है। वर्तमान स्थितियों की वजह से लापरवाही बरतना उचित नहीं होंगे। केवल परिस्थितियों का अवलोकन करते रहने की वजह से डर महसूस हो सकता है। खुद को प्रेरित करते रहने हुए अपनी कार्य क्षमता किस प्रकार से बढ़ाई जाए इस बात का ध्यान रखते होंगे। बेकार के खर्चों को टालने की आवश्यकताएँ होंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में परंपरागत हैं इस बात को साबित करने की जिद न करें। जब तक शादी के बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त नहीं होती तब तक विवाह से सावधान रहने नहीं करने हैं। उल्टी और अपच जैसी तकलीफें हो सकते हैं। सकारात्मक परिवर्तन को करना हो सकता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि जीवन पर बन सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें मीडिया हाउस के मालिकों को विस्तार के दृष्टिकोण से अधिक अनुकूलता रह सकते हैं। मेडिकल छात्रों को केरल में आपको लाभ मिल सकते हैं। यदि केरल के सही लाइन का चुनाव करना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा। दूर की कारोबारी यात्रा भी करने पड़ सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ सकता है। दोस्तों केरल के लिहाजा से केरल के बारे में अपनी योजना अथवा विचार को एक बार जांच लेने हैं। संशोधन आवश्यक लगे तो कर लीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी विशेष रूप से सावधानी बरतने होंगे। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा अवसर मिल सकते हैं। किसी में अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। वैचारिक झंड से आपको बचना हो सकता है। परिवार के साथ जो है प्रयास तथा मनोरंजन से संबंधित कार्यों में समय व्यतीत हो जाने से स्वयं को हल्का फुल्का ऊर्जाओं से भरपूर महसूस कर सकते हैं। बच्चों के साथ उनके क्रियाकलापों में रुचि जाहिर करना उनके आत्मविश्वास को अधिक से अधिक बढ़ाएगा। घर के किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से वस्तु के न मिल जाने की चिंताएं रह सकते हैं। परंतु चिंता न करें, ग्रह स्थिति के अनुसार वस्तु आपके पास ही है। ऑफिस के कुछ कामों को पूरा करने के लिए घर पर भी समय देना पड़ सकता है। आज उधारी से संबंधित किसी भी प्रकार की तरह के लेन देन न करें। व्यवसाय में कुछ नुकसान हो जाने जैसी स्थिति बन सकती है। किसी भी प्रकार के व्यवसाय से संबंधित पेपर बहुत ही ध्यान से पढ़ने की बात भी है। उस पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने हैं। जीवन शादी के प्रति आपको प्रेम तथा सहयोग पारिवारिक सहयोग की वजह से घर में उचित सामंजक बना रहेगा। आपसे संबंध सौंदर्यपूर्ण रहेंगे। स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। स्त्री जनित रोग परेशान कर सकते हैं। दिन मिश्र फलदायक साबित हो सकता है। दिन की शुरुआत भले ही कठिनाइयों से होंगे लेकिन दिन के अंत तक आपको जो है समाधान प्राप्त होगा। जितनी भी समस्याओं का सामना होगा उनका हल भी तुरंत आपको प्राप्त होता रहेगा। काम से साथ अनुमति जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक किसी भी प्रकार के काम को आगे न बढ़ाएं। पार्टनर्स के साथ पिछले कुछ समय का जिक्र जो है ना करें। मांसपेशियों में खिंचाव हो जाने से बेचैनी रह सकते हैं। दोस्तों स्टेशनरी आइटमों के थोक कारोबारी आज के दिन लाभकारी स्थिति में रह सकते हैं। परिवार में उल्लास का वातावरण रह सकता है। संतान से साथ विशेष गतिविधियां हो सकती हैं। अविवाहितों के लिए रिश्ता आ सकता है या पक्का हो सकता है। शारीरिक दुर्बलताएं बढ़े रह सकते हैं। चीज़ों को अस्पष्टताओं के साथ करना हो सकता है। सजावटी आभूषणों के लिए निर्बंधता अधिक अनुकूलताएँ रह सकते हैं। खानदानी राजनेताओं को अधिक अनुकूलताएँ रह सकते हैं। पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन का अवसर मिल सकता है। कोई बड़ा ऑपरेशन करवाने से साथ निर्णय करना पड़ सकता है तो कर लीजिए। खान पान में लापरवाही हानि पहुँचा सकते हैं। आप लोगों का दिन शुभ होंगे।